अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अपनी पांच बातें कभी किसी को ना बताएं। अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल को लोगों के सामने कभी जाहिर मत करो। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, अपनी मुश्किलें होती हैं। कौन किसके लिए परेशान होता है? आप पर जो परेशानियां आती हैं, जो मुश्किलात आई हैं, उन्हें ख़त्म भी आपने अकेले ही करनी है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से, अपने सब्र से। कहते हैं कि मुश्किलात भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो इन्हें हल करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए कभी अपने हौसले और सब्र को टूटने मत देना। लोगों की बातों में कभी मत आना। अपनी आँखों को, अपने कानों को बंद कर लो और सिर्फ तुम्हारी मंजिल नज़र आनी चाहिए। तुम्हारी कामयाबी में लोगों की बजती हुई तालियां सुनाई देनी चाहिए। अगर आपका कोई प्लान है, कोई आइडिया है, तो उसे खुद तक ही रखें। उसे अपने साए को भी मालूम ना होने दें, क्योंकि आपकी पहली कामयाबी यही है कि आपने एक आइडिया अपने जहन में बना लिया। अब तो सिर्फ उसे पूरा करना बाकी है। अगर तुम अपना आइडिया किसी को बताते हो और तुम्हारे आइडिया को तुमसे पहले पूरा कर लेता है और इस रास्ते पर चलते हुए कामयाबी तक पहुंच जाता है, तो तुम सिर्फ उसका मुंह देखते रह जाओगे। लोगों को बताते फिरोगे, ये तो मेरा प्लान था कि तो मैंने तैयार किया था। मगर लोग सिर्फ इसकी सुनते हैं जो कामयाब होता है, जिसके पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ होता है। सिर्फ बातें करने वालों का तो कोई यकीन नहीं करता। इसलिए अभी तुमने करना है तो कामयाब होना है, या दूसरों को कामयाब करना है। अगर आपकी माजी की कुछ गलतियों के बारे में लोगों को इल्म नहीं, इनको पता नहीं, तो उन्हें खुद तक ही रखें। उन्हें खुद अपनी ही जरिए लोगों तक मत पहुंचाएं, क्योंकि लोग तुम्हारी खामियों को पकड़ लेंगे, उन्हें मुआशरे में उछालेंगे और पकड़ पकड़ कर इन बातों को लाएंगे जिनसे तुम कमज़ोर होते हो। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती है, तुम्हारे इरादे टूटते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आप अपनी कामयाबी में कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़े आइडियाज़ बना रहे हो, तो उन्हें खुद तक ही रखो। जब तक उन्हें हासिल नहीं कर लेते, जब तक कुछ बड़े नहीं बन जाते। बाज़ दफ़ा कुछ ख्वाब, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते, तो अगर हम पहले ही आसमान सर पर उठा लें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा, तो फिर सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलता। अगर आपने कोई कामयाबी हासिल करनी है, तो इसकी खुशी एक हद तक ही लोगों के सामने बयान करें, ये जाहिर करें। क्योंकि अगर आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं और ऐसे लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो ये होगा कि लोग आपको मकरूर समझने लगेंगे। और दूसरा ये कि जब लोग आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, तो जो काम आप पहले कर रहे थे और जितनी लगन और मेहनत से कर रहे थे, मेरे ख्याल में इसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। आपका दिल और दिमाग आपको ये कहेगा कि बस बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया।